देश संघीय संरचना में गेला संगे तीन तह के संघीय संरचना अनुसार शिक्षा के क्षेत्र धीरे धीरे व्यवस्थित बनायल जा रहा है। नेपाल के संविधान 2072 प्रत्येक नागरिक के आधारभूत तह के शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तहिना माध्यमिक तह के शिक्षा निःशुल्क के अधिकार देने ई अधिकार देव के जिम्मा सरकार के सबसे निचल का तह यानी स्थानीय तह में नगर पालिका आ गाँव पालिका के देल गेल। आब नया संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्र में देखल गेल चुनौती सब की रहत संभावना की रहत निजी विद्यालय सब के पूर्ण रूप से अनुगमन के प्रक्रिया स्थानीय तह द्वारा अपनायल जेतै एहि बेर के जनमंच या विषय पर जनकपुर से। जनमंच में अमित ठाकुर के नमस्कार। विद्यालय के शिक्षा के मंदिर कहल जाते हैं। जँ यदि कोनो किसिम से ई मंदिर में शिक्षा रूपी पूजा बिगड़त तो प्रगतिशील समाज के निर्माण हम अहाँ नहीं कर सकते। संविधान के अनुसूची 8 में स्थानीय तह के देल गेल अधिकार के 8 नंबर बुदा में स्थानीय तह के आधारभूत आ माध्यमिक शिक्षा के अधिकार दऽ देल गेल छै। तहिना विगत में जे काज जिला शिक्षा कार्यालय देखै छलै ओहो आब हस्तांतरित होबय लगलै स्थानीय निकाय में। परिवर्तित समय में आब कोना कऽ कऽ शिक्षा के स्तर शिक्षा के अनुगमन आगा केना बढ़ायल जेतै आइ के जनमंच इएह विषय पर हमसब बहस कर जा रहल छी। एहि के लेल हमरा सबके साथ में छथि एनपैप्सन के उपाध्यक्ष आशीष झाजी, तहिना जनकपुर उपमहानगरपालिका के शिक्षा अधिकृत अंजू पांडे जी, ओहि के साथे हमरा सबके साथ में छथि जिला शिक्षा विकास तथा समन्वय धनुषा के इकाई प्रमुख देवी रंजन हुमागाई जी। जनमंच के शुरुआत आइ हमसब हुमागाई जी से प्रश्न लऽ कऽ करय चाहब। हुमागाई जी, निजी विद्यालयहरु किन अनियन्त्रित भएर यस्तो सञ्चालनमा देखिएका छन् त? परिवर्तित हाम्रो अधिकार काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ परिवर्तित अवस्थामा आइपुगेका छ। हामीले अहिले समन्वयको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई शिक्षा विभाग शिक्षा मन्त्रालयबाट आफ्नो कार्यविधि त्यो हिसाबले पठाएको अवस्थामा अब यो मैले वास्तवमा धनुषा जिल्लामा यो अनियमित सञ्चालन भएको नभएको मैले हेरिसकेको अवस्था छैन। आप जे अधिकारके हस्तान्तरण भेलै यऽ स्थानीय निकायमा अहाँ सबके तहतमे कि अधिकार समावेश कयल गेल छै त? आबके हस्तान्तरणमे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कि 23 बुधागत रूपमे 23 अधिकार देल गेल छै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमे 23 अधिकार देल गेल छै। की छै ओहि सब बुधामे संक्षिप्तमे? एहिमे 23 प्रारम्भिक बाल विकास अनौपचारिक शिक्षा भेल वैकल्पिक शिक्षा सब एकर बाद आधारभूत शिक्षा माध्यमिक शिक्षा ई सबके अनुगमन निरीक्षण अनुमति प्रदान सम्बन्धमे सेहो देने छै। विद्यालयके नामकरण सम्बन्धमे है तकर बाद विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगर शिक्षा समिति जिला नगर शिक्षा समिति गठन स्थानीय तहमे कक्षा 8 के परीक्षा सञ्चालन और अहाँके माध्यमिक तह तक के विद्यालय सबके अनुमति प्रदान सेहो प्राविधिक धार दिस जे विद्यालय सञ्चालन है पावी तहमे 9 कक्षा 10 कक्षा 11 12 ओ प्राविधिको धार दिस के विद्यालय के अनुमति देवके 23 एहिना बुदागत हिसाबसँ ई जे एखन आब प्रक्रिया सब जे परिवर्तन भेलै अधिकार से हस्तांतरण भेलै निजी विद्यालय के संचालन करय में कतेक सहज भ रहल है चाहे की कठिनाई सब सामने आबि रहल है अहाँ सबके? वास्तविक अब तो अखन सब आदमी अन्योल में छी बहुत चीज बनलै जखन कोनो भी चीज प्रैक्टिकली लागू होइ छै तकर बाद ई चीज बुझय में अबै छै नै ताहिमे बहुत चीज छै। हमसब आगा दिन में अखन तक एकटा हमसब 8 के परीक्षा आ SEE के एग्जामिनेशन दूटा मात्र लऽ सकलिए एकर बाद जेनाकि अखनो विद्यालय सबके छलै कक्षा थप के बात होय या नया अनुमति के बात होय ई शैक्षिक सत्र शुरू होबसे एक महीना पहिने देबा वाला बात छै लेकिन ओ अखन तक नहीं आबि सकलै तो बहुत कठिनाई सब छै अधिकारो क्लियर नहीं छै
के कते कह सकैए, ककरा ई चीज करके छै, ओहि हिसाबसँ चाहवला कर्मचारी पदपूर्ति नहि भेलैए, ताहि कारण सबसँ बहुत चीजके कारणसँ एखन नहि भऽ सकलैए। ई एखन तऽ बहुत कठिनाइ छै। एहि विषयमे आब सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जँ यदि किनको प्रश्न होय तऽ हाथ उठा कऽ प्रश्न कऽ सकै छथि। राजू कुमार शाह, हमसब एगो बी एस सी मतलब पास छी, मतलब टीचिंगमे शिक्षामे कार्य कर रहल छी, मतलब हाई इसकुल सबमे मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकै छी कि नहि, मतलब टेन सिस्टम पूछे लऽ चाहै छी अहाँके सरके। किनका सब प्रश्न अपन सर? इंग्लिश मीडियममे मैले अरू जिल्लामा, यो त भर्खरै आएँ होइन, मैले अलिअलि एउटा दुई धेरै हेरेको छैन, मैले जम्मा तिनवटा स्कुलमा गएँ। वास्तवमा यहाँ इङ्ग्लिस अरू, मैले काठमाडौँ बस्ने धेरै, काठमाडौँमा धेरै सरकारी स्कुलमा इङ्ग्लिस मिडियममा गएको छ होइन। हामीले दुइटै मिडियममा पढाउनु पर्छ भन्ने पनि आवाज उठ्छ होइन, इङ्ग्लिस मिडियम दुइटा। तर आधारभूत कुरो के भने, अहिले यो इङ्ग्लिस भनेको इन्टरनेसनल भाषा भयो, सबैलाई चाहिने अनिवार्य आवश्यकता भएको हुनाले यसलाई चाहिँ क्रमशः इङ्ग्लिस मिडियममा बिस्तारै बिस्तारै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। उमाकाजी, विगतमा जुन कार्यालय थियो, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने दायित्व त्यस कार्यालयमा थियो, अहिलेसम्म त्यो काम किन गर्न सकिएन होला? मैले यो सालको कुरो नबुझेको, अहिलेको कि गत विगतको? विगतमा, अहिलेसम्म जति बेलासम्म अधिकार दिएको थियो त्यस कार्यालयलाई, उनीहरूले शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्न भ्याएको छैनन्, शुल्क निर्धारण पनि गर्न छैनन्, के कारण लाग्छ होला, किन ढिलाइ भएको होला? अब यो त वास्तवमा अफिसले नै पहल गर्नुपर्ने हो शुल्कका कुरोहरू। त्यसपछि शुल्क निर्धारणलाई सरकारवालाले पनि अलिक चासो नदिएर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, दुइटै कुरो। अन्जुजी, आब त अहाँ सबके जिम्मेवारीमा आबि गेल छ शुल्क निर्धारण समिति गठन कऽ कऽ शुल्क निर्धारण करके, ई समिति गठन भऽ चुकल छै कि नहि? शुल्क निर्धारण समिति अभी गठन नहि भेल है, कमी कमजोरी देख रहल छी जे एखन तक नहि भेलै। अब बरखर तऽ स्थानीय तहमे अधिकार आबे केलिए, हमसब प्रयासमे लागल छी, नीति नियम सेहो बनत, विभिन्न समिति बनके आश देखै छी अहाँ। ई समिति अब नौगते जनकपुर महानगरपालिकाके नगरसभा तोकल गेल छै, नौगते नगरसभा हेतै, एहि बीचमे जे समिति हमसब तोकके प्रयासमे छी। आशीष जी, निजी विद्यालयसबपर बराबर ई आरोप लगैत रहै छै जे मनोमानी हिसाबसँ ओसब शुल्क लै छथि, बेसी शुल्क लै छथि, तऽ ई एहन परिपाटी छै कैले निजी विद्यालयके बेसी शुल्क लेनाइ, चाहे कैले ई होइ छै? अहाँके प्रश्न सुनिके सबसँ पहिले तऽ हमरा हँसी लागल, कियाकि हम जनकपुरमे छी। ई बहुत ही गलत एकटा ई प्रचार छै, मनोमानी ढङ्गसँ शुल्क वृद्धि जे अहाँ कहबै, ई काठमाण्डूके किछु इसकुलमे मात्रे छै जतऽ कि मनोमानी ढङ्गसँ। एखनो हम अहाँके कहि रहल छी, अहाँ जाकऽ सर्वे करू, जनकपुरके निजी विद्यालय सबके एवरेज इसकुल फीस अहाँके 1000 से लऽ कऽ 1500 के बीचेमे आयत, ओहिसँ फाजिल अहाँके नहि छै। एकटा ट्रान्सपोर्टेशन चलाबऽमे नहियो किस्त 1500-1600 पर स्टूडेंट पर खर्चा पड़े छे, लेकिन निजी विद्यालय सब 500, 400, 600, 700 में लग कर बच्चा सबके लाइब रहल छे। तो ये समस्या इएह छे कि छै छोट चीज कोनो एक ठाम, ओकरा लग कर एते बड़का बात अबै छे, हमसब बारम्बार सुनैत रहै छी जे निजी विद्यालय सब मनोमानी ढंग से शुल्क वृद्धि करै छे। तो आइसँ नहि, अहूँ ओहि क्षेत्रमे लागल छै, हम जे 10-15 वर्ष अहूँ सुनैत हैब, तऽ मनोमानी ढङ्गसँ यदि 10-15 वर्ष शुल्क वृद्धि भऽ रहल छै तखन तऽ 20,000-25,000 शुल्क भऽ गेल रहितै, मनोमानी ढङ्गसँ वृद्धि तऽ ओकरा हम कहबै। विभिन्न एक्स्ट्रा चार्जेसके नामपर भी तऽ बोझ बढ़ायल जाइ छै ने, चाहे ओ एनुअल चार्ज होइ, डेवलपमेंटल चार्ज होइ, एक्स्ट्रा करिकुलर, बहुत कम देखल जाइ छै, लेकिन ओहिओके चार्जेस थपि देल गेल रहै छै, किछु चार्ज थपै छै, तकर बावजूदो हम कहि रहल छी अहाँ सर्वे करू, 1500 से अहाँके आगू नहि नाँघत, 1000 से लऽ कऽ 1500 तक। किछु स्कूलमे तऽ 2200-2300-2400 तक फी गेल छै ने, एवरेज फीके बात कहलहुँ अहाँ, 1500 के हिसाबसँ सालके 18,000 भऽ गेलै नहि, तऽ ई अहाँ साल भरिके जखन अहाँ निकालबै तऽ अहाँके 1500 से, कियाकि हम एकटा एनपेप्शनके उपाध्यक्ष छी हम, अपने इसकुल नहि आओर इसकुल सबके बारेमे हमरा मालूम अइ, तऽ एहिसँ फाजिल नहि छै, यथार्थ इएह छै। सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जँ किनको एहि सम्बन्धमे प्रश्न होइ तऽ। हमर नाम जीत कुमार यादव, हमर घर जनकपुर 12। हमर प्रश्न एन पैप्सनके उपाध्यक्ष सर सङ्गे, सर
अपने जे कहलिए कि नहि छै 1000 से लगा 500 लगा मात्र छै ई सरासर गलत बात छै सर। आ दोसर बात सर, एकरूपता शुल्क नहि केला नहि छै सर, कोनो इसकुलमे 1500 छै तऽ कोनोमे 2000 छै, कोनोमे 500 छै, कोनोमे 1000 छै। दोसर बात सर, शिक्षक सबके निजी विद्यालयमे सर शुल्क कतेक सर अहाँसब दै छिए पहिने ई स्पष्ट होइ पड़लै सर, कतौ सर 3000 कतौ 4000। अगर ओहे शिक्षक अगर सरकारी इसकुलमे पढ़ा रहल छै ओहिसँ कमे मेहनत कऽ कऽ पढ़ा रहल छै ओकरा चाहिँ 20000 22000, मगर ओहिसँ बेसी मेहनत कऽ कऽ अगर निजी विद्यालयमे पढ़ा रहल छै शिक्षक ओहिसँ 4000 5000 बढ़ से बढ़ 10000 12000, ताहिके लागि सर ओ पूरे निर्धारण करऽ पड़लै सर सबके। पहिने अहाँ कहलिए जे ई चीज गलत छै तऽ हम की कहलहुँ हँ, एवरेज फीस कहलहुँ हँ। एवरेज फीसके मतलब भेलै कोनो एहनो विद्यालय छै जे 8000 10000 साल भरि पढ़ा दै छै, 6000 साल भरि पढ़ा दै छै, कोनो एहनो विद्यालय छै जे 20000 22000। हम एवरेजके बात केलहुँ, जखन हम अहाँ एवरेज निकालबै तऽ जनकपुरके केसमे एवरेजमे ओतबे हेतै। अहाँ फेर एक बेर अथी करब एकरा, ई चीज सही छै। एकरूपताके प्रश्न उठेलखिन, तकर बाद दोसर बात छलै हिनकर एकरूपता। एकरूपतामे अतः की छै, सरकारी विद्यालयमे एकरूपता अहाँ लाबि सकै छी, निजी विद्यालयमे की छै जे फैसिलिटी साथे प्राइस बढ़ै छै। हम अहाँ एतऽसँ काठमाण्डू जाइ छी, हमरा अहाँ एतऽसँ काठमाण्डू जाके विभिन्न माध्यम छै, अहाँ नाइट बससँ जा सकै छी, अहाँ माइक्रोसँ जा सकै छी, अहाँ प्लेनसँ जा सकै छी, अहाँ जखने अहाँ अपन माध्यम बदलबै अहाँके ओहिमे फर्क आयत। तऽ ताहि लऽ कऽ विश्वमे कतौ भी वर्गीकरण होइ छै, शुरूमे प्रश्न उठेने छलखिन हँ जे वर्गीकरणके इसकुलो सबके वर्गीकरण करऽ पड़तै, क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग घर वर्ग केना करथिन, ई तऽ मैम सबके काज छै, एकरा वर्गीकरण करऽ पड़तै। कियाकि किछु एहन छै हरेक लेवलके चाही, 5-star होटलके सेहो जगह रहै छै, तखन एकटा गलीमे चाय बेचऽवलाके सेहो जगह छै। किछु एहनो इलाइट ग्रुप रहै छै जेकि ओ अपन बच्चाके जतय 50000 फी नहि लेतै, अगर इसकुल 50000 कम फी लेने छै तऽ अपन बच्चाके ओतऽ पढ़ेबे नहि करतै। तऽ हमरा अहाँके ओहनो इसकुल चाही, नहि तऽ की हेतै जे हमरे अहाँके देशके राजस्व विदेशमे जेतै। हमरा अहाँके सब लेवलके सुविधा चाही। तऽ ताहि लऽ कऽ ई एकरूपता ओहि कारणसँ नहि आबि सकै छै। हम अहाँ सब आदमी एके रङ्गके कपड़ा नहि पहिरै छी, हम अहाँ सब आदमी एके रङ्गके खाना नहि खाइ छी, नहि। तकर बाद अयलै शिक्षक तलबवला बातके लिए अहाँ, जे सरकारी इसकुलमे एतेक भेटै छै आ निजी विद्यालयमे एतऽ भेटै छै। कारण की छै, सरकारी विद्यालयमे अहाँ पता लगाउ एक क्लासके एकटा विद्यार्थीपर सरकारके कतेक खर्च पड़ै छै, आ निजी विद्यालयमे देखियौ ओहिसँ बहुत कम खर्चमे हमसब पढ़ा रहल छी। तऽ जखने एतए ई करीब बात नहि बाझल छै कि कोनो भी इसकुल जे सञ्चालन होइ छै ओकर एकैटा एकमात्र स्रोत रहै छथिन अभिभावक। अभिभावक ओतऽ फीस जमा करै छथिन, ओहि फीससँ सारा किछु मैनेजमेंट होइ छै। तऽ अतः शिक्षकके तलबके लेल ताहि लऽ कऽ ई वैज्ञानिक ढङ्गसँ कते परसेंट ओकर फीसके शिक्षक तलबमे देबक चाही, मापदण्ड तोकल गेल छै एनपीएपसन द्वारा चाहे किनको द्वारा, जे एहि लेवलके शिक्षकके एतेक देबै। सरकारी निकायमे तऽ ओ छै न्यूनतम मापदण्ड तोकल गेल छै, प्राइवेट बोर्डिंग इसकुल सबमे ओहन छै नहि, ओहन अखन तक नहि एलैए। आब हमहूँ सब की छियै जे ई पहिने तऽ शिक्षा कार्यालयके मातहत, अखन ई जे लोकल गवर्नमेंट बॉडीमे जे गेलैए अधिकार हुनके मातहत हमसब छियै, ओहि बोर्डके अन्दरमे छियै। तऽ ई सब जे करथिन हमरा सबके ओकर पालना करऽ पड़तै। शुल्क निर्धारण समितिके मापदण्ड तय कहिया हेतै, विद्यार्थी आ अभिभावक मारमे पड़ै छथि। सबसँ पहिले तऽ शिक्षा नियम आबऽ पड़तै, एहिसँ पहिलकक शिक्षा नियमावलीमे विद्यालय वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छलै, विद्यालयके सुविधा अनुसार, जे आशीष जी कहलखिन हँ जे विद्यालयमे जेहन सुविधा रहतै ओहि हिसाबसँ जे वर्गीकरण कऽ कऽ फीस निर्धारण होइ छै। तऽ एहिमे शिक्षा नियमावलीमे व्यवस्था ऑलरेडी व्यवस्था छै, अभी तक नया आइन नियम नहि बनलै हँ, तऽ अभी ओहे आइन नियमके मानल जा सकैए, ओहिके टेकके अभी बहुत काम भइयो रहल छै। तऽ एहिमे क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग घ वर्गमे वर्गीकरण कयल है विद्यालयके, ओहि अनुसार अहाँके कोन विद्यालय क वर्गके छै तऽ तेकर शुल्क कतेक होबक चाही, ओहिमे हर निकायके अहाँ प्लान बता रहल छी कि अहाँके सुझाव पर्सनल व्यू जा रहल। अखनि जे ई प्रश्न पूछलखिन हँ आशीष जीके जवाबके हम किछु एहिमे थपऽ चाहलियै, आ ई व्यवस्था पहिलहु छल, आ फीसके सम्बन्धमे एकरूपता नहि हेतै, ई वर्गीकरणके आधारमे विद्यालयके फीस फरक फरक हेतै। जे विद्यालय आब क वर्गके विद्यालय पढ़तै ओ तऽ ओकर फीस कनिक हाई,
खबरमे होइ सके छै कम सबसे निर्धारण त कयल जा सकै छै कयल जा सकै छै एकदम उ नियममे ऑलरेडी व्यवस्था अब स्थानीय तहके अथीमे हम ई कह चाहै छी कि अखनी हमरा सबके त एहि नियम बनल नै बनाबके अथीमे छी हम सब पूर्व तैयारीमे छी आओर बनत तऽ तकर बाद हमसब एहि हिसाबसँ जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्री जे सञ्चालित निजी विद्यालय सब अइ ताहिमे हमसब पूर्णतः पूर्ण रूपसँ लागू करऽके कोशिशमे रहब आओर एकटा बात आओर कहऽ चाहलिए शिक्षकके तलब सम्बन्धमे जे कहलिए अहाँ जे कोनो जगह एकर निर्धारण कयल हइ कि एकदम हइ शिक्षा नियमावलीमे निजी संस्थागत विद्यालयमे पढ़ाबयवला शिक्षकके भी नियमानुसार सरकारी स्केल जे एम्हरके टीचरके भेटै छै ओ स्केल अनुसार शिक्षकके तलब भेटक चाही प्राइवेटो इसकुलमे शिक्षा नियमावलीमे ऑलरेडी व्यवस्था छै आ जँ यदि नहि भेटै छै तँ की हेतै तब तऽ ओहि विद्यालयमे एक बेर पहल करऽ पड़तै ओहिमे देखऽ पड़तै आब कानूनी दायरामे लाबऽ पड़तै से कोशिश करऽ पड़तै पहिल रोमे महिला साथीके देखै छियनि हमर नाम लक्ष्मी ठाकुर हइ हम मैमसँ ई प्रश्न करय लए चाहै छी कि एकसँ लऽ कऽ पाँच तक सरकारी इसकुलमे मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट कैला छै मतलब एकसँ लऽ कऽ पाँच तकमे इंग्लिशमे छै आ छओसँ लऽ कऽ दस तकमे सब विषय नेपालीमे किया छै पढ़ाइके माध्यमपर प्रश्न कऽ रहल छथि एकसँ पाँच तक भी सरकारी सामुदायिक विद्यालयमे मीडियम तऽ पहिलेसँ चलि आयल नेपालिए मीडियम हइ आ छओसँ दसो तक आ कोनो कोनो विद्यालय कक्षा एकसँ शुरुआत कयलकै इंग्लिश मीडियम आ इंग्लिश डिमांडके आधारमे विद्यालय सब निजी विद्यालयमे विद्यार्थी सबके आकर्षण बेसी भेलै सामुदायिकमे विद्यार्थी संख्या कम भेल तऽ ओ विद्यालय सब अपन डिमांडके आधारमे इंग्लिश मीडियमके शुरुआत कयने छथि आ पाँच तक भऽ गेल हेतै इंग्लिश तकर बाद छओमे नेपाली ओ क्रमशः इंग्लिशे लऽ जाइ मगजी यो इंग्लिश मीडियममे पढाउने जुन परिपाटी छ नि त्यो बोर्डिङ स्कुलमा त देखिन्छ हायर लेभलसम्म पनि गराउने गरेका छन् उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ यो प्राथमिक तहसम्म मात्रै किन राख्यो होला यसलाई अझ बढाउन के कसो चुनौतीहरू देखिन्छन् त चुनौती हुने त एउटा हाम्रो के छ भने यसमा गाह्रो त केही छैन चाहना हो इच्छा हो इच्छा शक्ति हो ट्राई गरे पनि हुन्छ अभ्यास गरे पनि हुन्छ हामीसँग इच्छा शक्तिको कम छ मैले भने मैले पनि दुई चार ठाउँ गएँ यो स्कुलमा यहाँ वास्तवमा अलिक पछाडि नै छौँ हामी यो जिल्लामा मैले इङ्ग्लिस मिडियममा म्याडमले भने जस्तै यसलाई नलगी हुँदैन मैले देखेँ एकदम अहिलेको आवश्यकता हो चाहना पनि हो आवश्यकता पनि हो यो यो भाषा भनेको हामी जसरी म नेपाली बोलिरहेको छु भोलि इङ्ग्लिस सबैले बुझ्ने हुन्छ नेपाली नबुझ्न सकिन्छ होइन जसरी मैले चाहिँ बुझ्न मलाई बुझ्छु मजाले बुझ्छु नबुझ्ने होइन तर मलाई भन्न बोल्न अलिक गाह्रो हो त्यसैले भाषा भनेको इङ्ग्लिस भनेको अघि भनिसकेँ मैले इन्टरनेसनल भाषा हो यसलाई सरल अब विद्यालयमा म बसेर मैले के सर एउटा मैले आजको यो अन्तर्क्रिया भनौँ जनमञ्चमा यो जिल्लामा हामीले दशमै लैजानुपर्छ भनेर म मेरो प्रयास हुनेछ जनशक्तिको अभाव एउटा जनशक्तिको अभाव इच्छा शक्ति पनि हो जनशक्ति भनेको जनशक्ति त्यही नै हो हामीले अर्को इङ्ग्लिस जान टिचर जान्ने टिचर ल्याउन सक्दैनौँ जनशक्ति उसैलाई प्रयोग गरेर ट्रेनिङ दिएर हुन्छ केही इफिसियन्सीलाई बनाउनलाई हामीले तालिम दिएर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ प्रयास गर्नु फेर सहभागी तरफ आबो चाहै छी इम्हर दोसर लाइनमे छथि हमर नाम विनोद यादव भेलै सरकारी इसकुलमे दुनू सरसँ पूछऽ चाहै छी सरकारी इसकुलमे टीचर सब जे पढ़बै छै ओ तऽ तलब तऽ बेसी लेबे करै छै मगर ओकरा अपने पढ़ाइपर अपने भरोसा नहि छै तकर बादमे आ बोर्डिंगवला सब की करै छै अपनेके कि बेसी विद्यार्थी कुञ्चि कुञ्चिके ढौआ तऽ लेबे करै छै आ विद्यार्थी बेसी कुञ्चि कुञ्चिके भविष्यके साथ खेलवाड़ करि रहल छै जे एक्सीडेंट भेलै तऽ कते बच्चा मरतै आशीष जी क्लासरूम साइज मेन्टेन नहि रहै छै प्राइवेट बोर्डिङ स्कूलमे बेसी विद्यार्थी राखल जाइ छै क्वालिटी आउटपुट गुणस्तरीय शिक्षा नहि हेतै ई रेयर केसेस छै कियाकि हम अहीँ सब कहै छियै ने जे बहुत बोर्डिङ स्कूल भऽ गेलै तऽ विद्यार्थी तऽ ओतबे छै जदि बोर्डिङ स्कूल बड्ड भऽ गेलै तऽ विद्यार्थी बेसी कतऽसँ चलि अयलै कहै छियै फीस बढ़लै छै नहि तऽ रेयर किछु जगह तऽ हम नहि कहब लेकिन जहाँ तक हमरा देखऽमे आयल जे ओतेक नहि छै आ जँ कोनो ठाम यदि ओतेक छै तऽ अभिभावकके सचेत होबाक चाही
भर्ना अभियान जखन अपन विद्यार्थी के भर्ना कराबे जाय छथिन ओ समय छै जहाँ विद्यालय के घुमू क्लासरूम देखू क्लासरूम में कते विद्यार्थी छै से चीज देखू तकर बाद किछु यदि अहाँ के चित्त नबुझदो चीज यदि ओहिमे अबैया तऽ ओतऽ के प्र के अहाँ सजेशन करियौ जे सर ई चीज नहि ठीक भेलै एकरा बदला पड़लै बेसी मापदंड तऽ बना सकै छी ने अहाँसब तऽ संगठन छी अपनो में तऽ एगो रह के चाही ने जे गुणस्तर शिक्षा के लेल हँ एगो क्लास में एतेक विद्यार्थी रखनाइ हमर सबके मापदंड अइ तऽ ओहन किछु मापदंड छै अहाँ सबके मापदंड की छै जे हमरा अहाँके जनघनत्वके हिसाबसँ ई मापदंड चेंज छै अहाँके हिमाली भेके लेल अलग छै पहाड़के लेल अलग छै तराइके लेल अलग छै तराइके लेल 44 छै ठीक छै मैम हँ तराइके लेल एकटा क्लासमे रहै छै 44 उमा गाईजी उहाँको अरू प्रश्न पनि थियो कि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले त्यस हिसाबको शिक्षा दिँदैनन् तल भत्तामा बढी ध्यान हुन्छ उहाँहरूको हो उहाँले भने जस्तै हाम्रो अलिक अनुगमन निगमन अलिक कम भएर पनि हो त्यसमा हामी पछाडि छौँ मैले देखेको हाम्रो अहिले के भयो अहिले अहिले अवस्थामा चाहिँ पहिले पनि हामीले स्रोत केन्द्र भनेर तोकेको थियौँ त्यहाँ स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि स्रोत केन्द्रमा बसेर आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर अनुगमन गर्ने अर्को विद्यालय निरीक्षक पनि हामी म पनि हिजो अवस्थामा विद्यालय निरीक्षक भरै जागिर खाएर आएको होइन हामी अघि पनि भने मैले हामीमा पनि कमजोरी छ र अर्को अहिले व्यवस्थापन समिति पनि छ त्यसपछि अझ गएर हामी स्थानीय निकाय मैले हेर्ने भनिरहेका छौँ अब केही सुधार हुन्छ कि भन्ने थोरै चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले मेन त भनेको एउटा टिचरलाई अलिक सुचित गराउने होला होइन त्यसपछि गएर अनुगमन अलिक बढाएर उहाँको क्रियाकलाप हेर्ने के हो उहाँको के समस्या हो समस्या पत्ता लगाएर सम्बन्धन गर्नुपर्छ फेरि सहभागी तरफ आबै चाहे छी अन्तिम लाइनमे देखै छी हम ब्लू भेस्ट लगेने रोशन मिश्र नाम होलै हमर अहाँके अखनतो जनकपुरमे बहुते इसकुल सब छै एहन छै से बिना लाइसेंसोके छै चलैत अखन शिक्षाके नामपर बिजनेस लोक चलबै छै अखन शिक्षाके नामपर बिजनेस चलबै छै बिल्डिङ्गके बिल्डिङ्ग मारै छै से प्रत्येक साल अहाँके बोर्डिङ्ग इसकुल सबके किताब चेंज होइ छै लोक मीडियम फैमिलीके आदमी किताब चेंज भऽ जेतै अथी भऽ जेतै परेशान भऽ जेतै प्रत्येक साल किताब चेंज भेनाइ आ ताहिके बादमे बिना लाइसेंसके चलेनाइ किताब चेंजवला जे चीज कहलखिन ने ई हमरा अहाँके दुर्भाग्य देशमे जे पहिने हम कहि देलहुँ जे निजी विद्यालय सरकारेके अन्तर्गत अबै छै हमसब ओहिसँ बाहर नहि छी हमर सबके प्राइवेट बोर्ड नहि छै जएह सरकारी इसकुलके लेल बोर्ड छै वएह हमरो सबके बोर्ड छै ठीक छै अतः भऽ की जाइ छै जे दात्री निकाय अहाँके जहिना कहै छै हमरा अहाँके देशमे एक्सपेरिमेंट भऽ रहल छै कि हमसब अखन तक कक्षा 9 वातावरण तथा जनस्वास्थ्य विद्या EPS जे हमसब कहै छियै से EPS हमसब पढ़ा रहल छियै आ किछु दिनसँ सुनऽमे आबि रहल छै जे ओ EPS विषय हटा देलकै हरेक इसकुल टीचर राखि लेने छै बच्चा सब किताब किन लेने छै आब एहि शैक्षिक सत्र शुरू भेला 2 भऽ गेलैए आब अखन 2 बाद आबि रहल छै जे जनसंख्या वातावरण विषय हटि गेलै प्राथमिकतामे की होइ छै देखल जाइ छै सामान्यतः पब्लिकेशने चेंज भऽ गेल साले साले पब्लिकेशन चेंज भऽ जाइ छै एहिमे कहीँ ने कहीँ कमीशनके आरोप सेहो लगैत अबै छै एहिपर की कहना है आरोप प्रत्यारोप एक दोसरके लगै छै ओहिमे हम नहि कह सकबै लेकिन एहिमे मेन चीज हम 2 कारण देखै छियै एकटा तऽ सरकारेसँ जे कोर्स चेंज भऽ जाइ छै एकटा से बात दोसर बात की भऽ छै बुकके पब्लिकेशन सेहो चेंज भऽ जेतै आ पब्लिकेशन हमरा अहाँके छै जे एहि साल ई पब्लिकेशन छै अगला साल ओ पब्लिकेशन अवेलेबल नहि रहै छै ओ पब्लिकेशन की करै छै जे टाइमपर किताब छापिकऽ दैए नहि सकै छै बहुतेके पाछू कारण छै अहाँ सब अभिभावक सब जनैत हेथिन जे हुनका सबके किताब लेबऽमे कतेक समस्या होइ छै एहि कारणसँ सेहो हमरा सबके एकटा पब्लिकेशन नीक छै हमसब किताब लगेलियै आब ओ की करै छै जे समयपर किताब पहुँचाइए नहि सकै छै ओ अगला साल ओ विषयके किताब ओ छपबे नहि केलकै ओकरामे सँ फुटिकऽ दोसर पब्लिकेशन खुलि गेलै तऽ ईसब विविध कारणसँ ई ककरो इच्छा नहि छै आ निजी विद्यालयमे हमरा सबके पढ़यवला बेसी गार्जियन सब ओ बच्चासब नए किताब चाहैत रहै छै आ एकटा विद्वाने कहने छथिन जे पुरानो कोट लगाउ नया किताब कीन छोट बच्चाके किताब आर की भए छै अहाँके जे ओ बेसी एक्टिविटी बेस्ड किताब रहै छै नहि ओ लिखने रहै छै ओ नेक्स्ट टाइम नया लेभी पढ़तै तऽ ताहि कारणसँ होइ छै लेकिन अहूपर हमरा सबके ई नहि इच्छा अइ जे हमसब किताबके भार ओहिपर दी कि छै से अभिभावकपर एहिपर हमसब बैसिकऽ एहिपर यदि किछु करऽके छै तऽ हमसब करऽके लेल तैयार छी बिना लाइसेंसके इसकुलके बारेमे तऽ ईसब बढ़िआँ सकै छै किएकि ओसब तऽ हमर हमसब अपने ओहिसँ पीड़ित छी तऽ एहिके बारेमे तऽ नीक हेतनि जे इएहसब जवाब देथिन
बिना बिना मान्यता प्राप्त इसकुल सबसे संचालन में छे, हालांकि अहाँ सबके अधिकार क्षेत्र में एखन आयल। आब अइके की प्रावधान अहाँ सब रखने छी, कोन हिसाब से कोन मापदंड तय कयने छी जे इसकुल सब संचालन भऽ सकै छथि? एहिसँ पहिले हम कहने छलियै कि हमसब अखनी एहि नियम बनाबऽ के अवस्थामे अखनी बनल पूरा ऑलरेडी तैयारी नहि भेलै। स्थानीय निकाय के सरकार बनला तऽ एते दिन भऽ चुकल छै, कारण एकटा संघके शिक्षा नियम बनतै, अभी बनऽके अवस्था संघोसँ नहि बनल हँ। तकर बाद प्रदेशके बनतै ओहिके तहत, आ प्रदेशके बनि गेलाके बाद स्थानीय तह बनतै। स्थानीय तह बनेतै ओना तऽ स्थानीय सरकार अपनो ई रास्ता नहि ताकि कऽ अपनो बना सकै छै, आ जे कानून बझतै ओ ऑलरेडी निष्क्रिय होतै ताहि हिसाबसँ बना सकै छै। पहिलाको प्रावधान के थियो तऽ प्राइवेट बोर्डिङ स्कुलहरूको सञ्चालनमा के मापदण्ड हेर्ने गरिन्थ्यो, र बिना लाइसेन्सको पनि यस जिल्लामा नै धेरै स्कुलहरू पनि सञ्चालन छन्, त्यसमा किन कमी कमजोरी रह्यो त? धन्यवाद सर। अब यो के छ भने हाम्रो एक त निगरानी नभएर हो, मैले जानेको उहाँहरूले कम्पनी दर्ता गर्नुहुन्छ है, मैले कम्पनी दर्ता गरेर ल्याएपछि हाम्रो यो हाम्रो संस्था चाहिँ अब दर्ता भयो भन्ने कुरो पनि हुन्छ। जिल्लाबाट सम्बन्धित निकायमा गएर उहाँले चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ, दर्ताले मात्रै हुँदैन। अब दर्ता गरिसकेपछि धेरै त उहाँलाई थाहा भएर पनि कहिले के गर्छ भन्ने मनमानी ढङ्गले चलाउनु भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को हामी पनि हाम्रो पनि अलिकति अनुगमन निगमन अलि नपुगेको हो त्यहाँ पनि, त्यहाँ हुँदाखेरि हामीले प्रसन्न लाएर अनुमति छैन होइन, उनीहरूलाई त के जरिमाना गर्नु पनि अधिकार छ, सम्बन्धित निकायले जरिमाना गरेर त्यो हटाउनु पनि सक्छ होइन। त्यो अब धेरै यस्तो एउटा विकृति नै जस्तो लाग्छ मलाई, जसरी हाम्रो यो यहाँ मात्रै होइन काठमाडौँमा पनि अब त्यस्तो अवस्था छ होइन। त्यसलाई हामीले हामी हाम्रो नजरमा नपुगेर अर्को भनेको कति त थाहै नभएर पनि हुँदो रहेछ। विगतका सालहरूमा भएका अनुगमनहरूको बारेमा तपाईँले जानकारी छ कि छैन? यस तपाईँकै कार्यालयबाट भएको मलाई यो जिल्लाको बारेमा अलिक थाहा नभएर मैले बोल्न सकिनँ। विगत सालमै अनुगमन भएको थियो, त्यो अनुगमन बिचमै रोकियो, जनताहरूलाई अहिले पनि त्यसको बारेमा जानकारी छैन कार्यालयमा पनि, त्यही भएर तपाईँले मैले यो प्रश्न सोध्न खोजेको। फेर सर सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, उमर अन्तिम लाइनमे। हमर नाम है जाजन झारे, घर जनकपुर चार। हमर क्वेश्चन आशीष सर से है, प्राइवेट विद्यालयमे जते मतलब पैसा सब चीजके लै छै, लेकिन बस आ भ्यानमे जतेमे देखबै 50 गो सीटके बदला 80 गो विद्यार्थीके एकदम कोचके पूरे कोच कोचके लऽ जाइए आ लऽ भी कैला। यातायात व्यवस्था प्राइवेट इसकुल सबके ओतेक बढ़िया नहीं है, ओवर क्राउडिंग रहे। अइ बारे में हम सब ट्रैफिक पुलिस से हम सब रहिए समन्वय केने रहिए, ये चीज हम सब कतौ कतौ देखल गेल है जे अइमे ओवर क्राउडिंग रहै छै से बस सब में। तो हम सब अइमे की कह चाहब, सचेत अभिभावक सबसे बड़का बात की छै जे अभिभावक के सचेत से हो पड़ते। आ संचालक सचेत नहीं हेते? नहीं, हम वह बात कहले अभिभावक सचेत होते संचालक सचेत भ जेतै। नहि करक चाही, एकर हमहूँ अगेंस्टमे छी, एकर हमहूँ खिलाफ छी, ई चीज नहि होबक चाही, एकरा एहिपर कऽ रहल छी। फेर ओतऽ वएह बात आबि जाइ छै कि फीसके, अखन हमरा अहाँके जे विद्यालय सब जे फीस लऽ कऽ अथी कऽ रहल छै ने, बच्चा सबके ओसार पुसार कऽ रहल छै, ओ कतौ ने कतौ नहि मिलल छै। आ तऽ जरूरी छै, कम छै कि बेसी भऽ गेलै? बहुत कम छै, एखन कम छै एखनका फीस। हाँ, जे जनताके मार करब नहि नहि वएह बात कहले, ई एकटा फैसिलिटी छै, कोनो इसकुल अहाँ ट्रांसपोर्टेशन लेबे करू से कहि कऽ कम्पलसरी नहि केने छै कि हमरा अहाँके क्षेत्रमे इएह सब किछु गलत चीज छै कि निजी विद्यालयपर बहुत आरोप लगै छै जे निजी विद्यालय ब्रह्मलूट केलकै, एतेक कमा लेलकै। लेकिन जखन हमसब घुमिकऽ देखै छियै एतऽके निजी विद्यालयके अवस्था, तऽ एक आदमी अपन पूरा जीवन निजी विद्यालय सजाल कऽ कऽ बिता गेलै, बिता देलकै आओर लास्टमे हाथ लागल सुन्ना जे कहै छियै, ताहि अवस्थामे देखै छी। ओहो एकटा ई कऽ कऽ अपन काज कऽ रहल छै नहि, तऽ एहिमे जरूरी छै सरकारवला सब जनता सब सेहो बहुत जागरूक भऽ गेलखिन हँ, हमसब बैसी एहिपर करी, कते कॉस्ट पड़ै छै होबक चाही। आ एहिसँ फाजिल अहाँ विद्यार्थी राखियो नहि सकै छी दुनू तरफसँ, एहिसँ कम अहाँ फीओ नहि कऽ सकै छी, एहिसँ बेसी अहाँ नहि कऽ सकै छी। एखन तऽ एहन हमसब देख रहल छी जे 5 मिनटके दूरीपर विद्यालय छै, ओहो अभिभावक नहि लऽ जाइ चाहै छथिन अपन बच्चाके अपना साथे, ओ चाहै छथिन जे हमर बच्चा गाड़िओसँ चलि जाइ। हमरा सबके यदि एतेक प्राइस लेबै पर स्टूडेंट एतेक रेंजमे,
ने इसकुलके रेंज होइ छै, डिस्टेंसो पर मैटर करै छै, तऽ ओहन किछु स्टडी भेल छै, टेक्निकल स्टडी भेल छै जे एतेक प्राइस हमरा सबके लेबै तऽ ठीक रहतै? हम जखन एहिपर स्टडी केलियै तऽ हमरा तऽ सबसँ पहिने ई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टमे हमरा नहि नीक लागल, यदि हमर बात व्यक्तिगत बात पूछै छी तऽ। आइडियल की चीज अहाँ अपन बच्चाके अपना साथे लऽ जाके विद्यालय पहुँचाउ, अतः की एकटा गलत हम देख रहल छियै जे एक नंबर वार्डके बच्चा दू नंबर वार्डमे जाके पढ़ै छै, दू नंबर वार्डके बच्चा पाँच नंबर वार्डमे जाके पढ़ै छै, पाँच नंबर वार्डके बच्चा नओ नंबर वार्डमे जाके पढ़ै छै, एना किया? अहाँके वार्डमे जखन इसकुल अइ, अहाँके वार्डमे वार्ड प्रतिनिधि अइ, अहाँ अपने वार्डके इसकुल अहाँके सिलेक्शन करू ने, ई समस्ये सब नहि हेतै तऽ भऽ की जाइए जे बारीके पटुआ तीत जे हम अहाँ कहै छियै, एहन 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 जे इच्छा जे छै च्वाइस सेलेक्शनके बात जे छै ओहिमे तऽ अहाँ बाध्यकारी व्यवस्था तऽ नहि मिला सकै छी। बाध्यकारी नहि नहि बाध्यकारी हम नहि कहलियै, हम की कहलियै जे यदि एक नंबर वार्ड, हम एकटा एग्जाम्पल लेलहुँ हँ, यदि क वार्डके इसकुल यदि नीक नहि छै तऽ ख वार्डके बच्चा फेर क वार्डमे की आबि रहल छै? तऽ आ तऽ भऽ की रहल छै जे एहि चौकके बच्चा ओहि चौकमे जाके पढ़ै छै, ओहि चौकके बच्चा ओहि चौकमे जाके पढ़ै छै, अहाँके बच्चा इसकुलमे पढ़त तऽ हमर बच्चा ओकरा साथे पढ़तै? नहि पढ़तै। हम ओही चलते हम खाली की करबै अपन बच्चाके अलग इसकुलमे राखि देबै, बसके चाहे इसकुलके हमर की इच्छा छै ओवर क्राउडिंग केना कम हेतै? तऽ सीट पर तऽ बैसले रहै छथि बच्चा सब, ठाड़ो भऽ कऽ एकदम कोचा कऽ रहै छथि, गर्मीके माहौल छै, फेंट होबयके सेहो अवस्था बराबर आबिते रहै छै, ई सब कम केना हेतै तऽ केना मैनेज करबै? एहिके एहिमे मीडियाके प्रमुख रोल छै, अहाँ सब एकर एक दू बेर एबो केलियै रिपोर्टिंग, अहाँ सबके जखन रिपोर्टिंग अबै छै ताहिपर एक्शन सेहो अबै छै हम देखलियै नहि, तऽ एहिपर कऽ कऽ आ हम अपन हरेक जते संचालन केने छथिन कयल जा सकै छै संस्थाके, तऽ एनपैप्सन एज अ संस्था की कऽ सकै छै, किछु मापदण्ड तऽ बनायल जाय ने? हाँ नहि तऽ हमसब वएह मापदण्ड की बने रहै से पहिने ओ वर्कआउट भेल रहै जे बस स्टॉप तोकऽके, अतः जे छै घर घरसँ बच्चा उठाबैके सिस्टम जे छै बस स्टॉप तोकऽके हमसब बात केने रहियै कि बच्चाके एक्सीडेंट नहि हेतै, एकटा निश्चित जगह रहतै जतऽ कि इसकुल बस सब मात्रे रुकतै, इसकुल वैन मात्रे रुकतै, ओतय अभिभावक सब अपन बच्चा लऽ कऽ रहतै, क्राउडिंग कम हेतै गाड़ी में भीड़ तहन की हेतै जे ओ विद्यालय जे भीड़ कऽ कऽ जे बच्चा जे लबै छै ओ दू बेर लऽ हेतै, एकठाम सँ बच्चा गेलै ओतऽ सँ लऽ कऽ अयलै, फेर ओ की करतै जे दोसर ठाम सँ जाकऽ अपन बच्चा लेतै, तऽ ई सब छै बहुत तरीका छै जे हमसब एहिसँ कम कऽ सकै छी। आ सबसँ एकर उत्तम उपाय हमरा की बुझाइए जे गार्जियन कनिक कष्ट अखन बार बार सुनबै अबै छै जे किछु जे कहल जाइ छै तऽ हमरा पास तऽ समय नहि अइ, तऽ हमसब हम आग्रह करऽ चाहबै अभिभावक सबसँ जे अहाँसब अपन बच्चाके टाइम दियौ, अपन बच्चाके अपने इसकुल पहुँचाउ, अहाँ जते सुरक्षित साथ अपन बच्चाके इसकुल पहुँचा सकै छी दुनियाके कोनो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओतेक सुरक्षित साथ इसकुलके तरफसँ की भऽ सकै छै? एगो वन स्टेप प्लान जे सीट हिसाबसँ बच्चा राखल जाए ई प्रावधान तऽ लेल जा सकै छै ने? एहिमे की तोकल गेल छै इसकुलके बच्चाके लेल, गाड़ी सब जे बनै छै ओ तऽ एकटा बेसके देख कऽ बनल जाइ छै ने, तऽ 1.5 टाइम्स ओकर ड्योढ़ा, यदि कोनो गाड़ीमे 20 सीट यदि छै, 20 सीटर यदि गाड़ी छै तऽ ओहिमे 30 बच्चा ओ बैसिएके आबि सकै छै, दू आदमीके जे सीट रहै छै ओहिमे 3 बच्चा कम्फर्टेबली बैस जाइ छै, तऽ ओते तकके हम अहाँ लाबि सकै छी। एम्हर सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जँ किनको प्रश्न होइ तऽ हाथ उठाकर प्रश्न कऽ सकै छी। जी हमर नाम रवीना यादव है, घर फूल चौक एक नंबर वार्ड जी। अपन अपन वार्डमे बोर्डिंग इसकुल खुलबे करै छै, तैयो ओहि सरके बच्चा सब दोसर ठाँव क्लासमे जाइ हइ क्लास करैके लागि, एहन कैला छै? जब अपन वार्डमे इसकुल सीते छै ओहिमे अच्छा पढ़ाइ कैला नहि दै छै, एना कैला छै कि ओहिमे नहि पढ़ा कऽ दोसरमे जाइ छै पढ़ब? ई प्रश्न किनकासँ करऽ चाहलियै? जी आशीष सरसँ प्रश्न छै। धन्यवाद। नहि नीक यदि रहितै तऽ पुल चौकमे तहन बच्चासभ पढ़बे नहि करतै, दोसर या हमरो सबके अते क्वेश्चन मार्क अइ कि दोसर चौकके बच्चाके पुल चौकके इसकुल नीक लगै छै लेकिन पुले चौकके अभिभावकके पुल चौकके बच्चा इसकुल नहि नीक लगै छै नहि, तऽ एहिपर अहीँ सबके सचेत होबयके अइ। आ हमरा की कहके जे इसकुल सेलेक्शन करू, अपने वार्डके इसकुल सेलेक्शन करू, आ तकर बाद ओ इसकुल कोनो आदमी एकटा तऽ गलत शब्द की आयल छै निजी विद्यालय, निजी विद्यालय नेपालमे छैहे नहि, संस्थागत आ सामुदायिक दूटा विद्यालय छै, हम अहाँ निजी विद्यालय कहै छी लेकिन निजी विद्यालयके तऽ नेपाल सरकार प्रावधान रखने ही नहि छै, ओ सामुदायिक रखने छै आ संस्थागत रखने छै, तऽ ई संस्थागत विद्यालय भेलै, एहिमे वार्डके हरेक सदस्यके ओतय पढ़यवला हबे हरेक अभिभावकके ओतय अधिकार छै जा कऽ बाजयके सलाह सुझाव देबयके, ओतहि ओही इसकुलके हम अहाँ नीक करी, आ हमरा अहाँके प्रयाससँ जरूर हम अहाँ अपन वार्डके इसकुल नीक कऽ सकै छी, आ जखन हम ओतय के इसकुल नीक करबै तकर बादे सब किछु नीक हेतै। उमा कहै छी अधिकार हस्तांतरण भइसकै छ, अहिलेसम्म के
तथ्याङ्कहरू चाहे डाटाबेसहरू स्कुल सम्बन्धी प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल त्यो ट्रान्सफरको हस्तान्तरणको प्रक्रिया भइसकेको छ स्थानीय निकायमा गइसकेको छ त्यो तथ्याङ्कहरू सुरुवात भएको छ हामीले विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरूको विवरण चाहिँ अध्यावेदित गरेर प्रत्येक स्थानीय निकायमा तलब भत्ता खुवाउने सवालमा एउटा त्यो लेभलमा भयो अब अरू डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले प्रत्येक नगर वाइज बनाउनुपर्छ त्यसलाई हामीले निकट भविष्य तत्कालै त्यसलाई सुरुवात गर्छौँ र हामी छिटोभन्दा हुनसक्छ हामीलाई साउन भदौ दुई महिना लाग्छ अझै त्यति गर्नलाई किन हाम्रो अहिले अरू काम हुन्छ विशेष साउन मैले चाहिँ के विचार गरेको छु भने साउन मेरो चाहिँ यहाँको सोचाइ मेरो आफ्नो प्लानिङ हो यो मैले साउन भदौमा लगभग म तयार गर्छु हामीले के तयार गर्नु पऱ्यो भने प्रत्येक नगरपालिका प्रत्येक गाउँपालिकामा कति शिक्षक वैयक्तिक विवरण फार्महरू कति छ त्यसपछि संस्थागतको कुरा आयो संस्थागतको फाइलहरू के छन् डकुमेन्ट कुन कुन नगरपालिका कुन कुन संस्थागत विद्यालयहरू छन् त्यो अनुसारको डकुमेन्ट तयार गरेर हामी स्थानीय निकायलाई हस्ताउनु पर्छ अञ्जुजी एखन अब स्थानीय तहमा रहेका कार्यक्रममा यी सब शिक्षा सेवा सबै अन्डरमा आइ गेल तत्काल एखन की चुनौती सब चाहे वो जनशक्ति के बात में हो स्रोत साधन के कमी के बात में हो की समस्या सब देखा पड़ रहा है जैसे काज ओत प्रभावकारी नहीं भरल विलम्ब भ रहा है सबसे पहले तो स्थानीय तह में आवश्यक कर्मचारी नहीं पुग के अवस्था जेना जनकपुर महानगरपालिका में 9 कर्मचारी हो चाहिए शिक्षा देख लेल उप सचिव के नेतृत्व में 3 के अधिकृत लेभल 5 नासु स्तरके 9 उप सचिवके नेतृत्वमे 9 कर्मचारी चाहि आ 9 अभी हम अकेले छी तऽ अकेले तऽ बहुत विद्यालयके प्रशासनसँ लऽ कऽ निरीक्षण ई संस्थागत विद्यालयके अपग्रेडसँ सम्बन्धित काम शिक्षाके जतेक स्थानीय तहसँ सम्पादन होबयवला जतेक काम छै से अखनी हमरा अकेले देख पड़ि रहल तऽ ओहि अवस्थामे सोचियौ कि अब की हमरा कतेक कठिनाइ हेतै जनकपुर महानगरपालिकासँ कोनो पहल भेलैए जे कर्मचारी थपल जाय कैला तऽ एहि हिसाबसँ प्रभावकारी काज तऽ हेतै नहि अन्तमे समस्या जनताके हेतै सेवाग्राहीके हेतै किछु पहल कयल गेल छै कि नहि कहिया तक कर्मचारी पद पूर्ति भऽ जेतै अब तऽ नेपाल सरकार कहिए रहल छै कि असार मसान तक लऽ सभ स्थानीय तहमे कर्मचारी पद पूर्ति कऽ देबै तब देखियौ असार मसान तक भऽ जेतै तऽ संयंत्र जतेक जे संरचनामे है ने ओतेक कर्मचारी चलि आबै तऽ प्रत्येक स्थानीय तहमे सेवाग्राहीके सेवा देबैके लेल एकदम बढ़िआँसँ हमसभ समयमे सेवा दऽ सकै छी अब अन्तिम बेर सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी एम्हर लास्ट लाइनमे देखै छियनि सर हमर नाम भेल अखिलेश शर्मा सर ई अहाँके जनकपुरमे किछु किछु विद्यालय सभमे अहाँके 8, 9, 10 के विद्यार्थीके कमजोर विद्यार्थी सभके एक्स्ट्रा क्लास कराके शुल्क केला लै है कमजोर विद्यार्थी सभके एक्स्ट्रा क्लासमे बजाके अहाँके एक्स्ट्रा पैसा लै उम्हर अन्तिम लाइनमे सेहो एकटा सहभागी देखै छियनि कुमार यादव वार्ड नम्बर 12 जनकपुर ई सरकारी इसकुलके धियापुता सभके अभी तक किताब नहि रीडिंग करऽ अभी प्लस प्राइवेट धियापुता सभ किताब रीडिंग कऽ दी ई समस्या सभके लिए सावधान हो रहल अछि पहिले उमागाईजी तरफ आबऽ चाहै छी उमागाईजी उहाँको प्रश्न सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीहरू पढाइमा त्यति राम्रा हुँदैनन् जुन जेनरल बुक रिडिङ हुन्छ किताब पढ्ने त्यतिसम्मको पनि उहाँहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिएको हुँदैन यस्तो खराब गुणस्तर किन हाम्रो विद्यालय भनेको समाज भनेको अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक त्यसपछि शिक्षासँग सरोकार राख्ने जस्तै समन्वय इकाइ अहिले त नगर भने स्थानीय निकाय सबैको रेखदेखमा सबैले त्यसमा वाच गर्ने कुरा हुन्छ मैले जानेको जस्तो अभिभावकले राम्रोसँग मेरो बच्चाले आज के सिक्यो के पढायो वाच गर्ने होइन मैले देखेको अर्को कुरो शिक्षकले मैले आज के पढाउँछु भनेर पूर्व तयारी गर्दैन है भने जस्तै हाम्रो के छ भने हिजो पनि त्यही गरेको छ आज पनि त्यही गरेको छ यसमा अलिकति थोरै चेन्ज ल्याउनलाई हामीले अनुगमनको कमी देखिएको हो अनुगमन एउटा अर्को अनुगमन धेरैवटा छ क्या हामीले मैले भने हामी मात्रै हामी त अहिले सको अपरेसन भन्छ समन्वय गर्ने भन्छ होइन त्यसलाई हामीले समन्वय गरेर सुधारका लागि हाम्रो प्रयास रहन्छ तर एक त अभिभावकले पनि बुझ्नु पऱ्यो मेरो बच्चा पढ्न गएको छ आज उसले के सिकेर आयो
अथवा के गर्यो दिनभरि क्रियाकलाप चासो राख्नु पर्यो हैन शिक्षकले पनि त्यसपछि हेडमास्टरले पनि त्यसपछि हाम्रो जनप्रतिनिधिले पनि यो विद्यालयको पढाइ कसरी पुगाउन सकिन्छ विद्यार्थीले किताब पनि पढ्न जान्दैन त्यसमा चासो राख्यो भने अवश्य पनि सुधार आउँछ अब गुणस्तरीय शिक्षा मेन्टेन होस् हैन त्यसको लागि के अब प्रावधानहरु केही ल्याउनु भएको छ प्रावधान त यो त हामीले एसएचडीपी भनियो त्यसपछि बाल केन्द्रित शिक्षण विधि भनियो हैन धेरै अब कार्यक्रम चल्या हो कार्यान्वयन त्यही हो कार्यान्वयन कमी कमजोरी हो त्यसमा अब हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ हामी पनि त्यही क्षेत्रको मान्छे हो होइन यसलाई चाहिँ अब अहिले गइसकेपछि अहिले चाहिँ थोरै हाम्रो अलि स्तर पुग्छ कि अलिक गुणस्तरीय शिक्षा पाउन हामी अलिक सफलता मिल्छ कि भन्ने हाम्रो आशिषजी एक्स्ट्रा क्लासके नाम पर पैसा लेल जाइ छै कैलाक कोन ठामके छै ई बात हमरा जानकारी नहि भेल नहि आब ई एक्स्ट्रा क्लासके नामपर इसकुल लऽ रहल छै कि बहुत अभिभावकके रहै छै जे हम समय नहि दऽ सकै छी तऽ हमरा बच्चाके पढ़ा दिए हमरा बच्चाके एक्स्ट्रा क्लास चाही जे फीस घरमे ट्यूशन रखै छथिन नहि हम फीस तिरै लेल तैयार छी हमरा कऽ दिए तऽ आब ई कोन सन्दर्भमे छै से हमरा जानकारी नहि भेल लेकिन ई ऑप्शनल छै ई कम्पलसरी नहि छै इसकुल सबमे जे अहाँके एक्स्ट्रा क्लास ले भी पड़त अहाँके ई शुल्क तिरही पड़त से चीज से व्यवस्था नहि छै हमरा जानकारीमे जतेक अइ ओतेक ओहि हिसाबसँ अंजू जी शिक्षक करारमे जखन हुनका सबके नियुक्ति कयल जाइ छै व्यापक अनियमितता देखल जाइ छै आब ओहो क्षेत्र अहाँ सबके माथातमे आबि रहल छै ओहिके लगायत केना कऽ कऽ आब अहाँ सब काज करऽ जा रहल छी जाहिसँ विद्यार्थी अभिभावकके आब जल्दिएसँ एकटा परिवर्तन जे कहल जाइ छै ओ देखऽमे नजर एतै स्थानीय तौर पर करारमे शिक्षक नियुक्तिके अनियमितता जे जहाँ तक कहै छियै तऽ किछु ई तऽ अनियमितता अब्बाहो उड़ायल जा सकैया अनियमितता भेल अब हमर नहि भेल तऽ एना कऽ कऽ देलकै ताहि ढंगके हमरा सबके एकटा फरक स्वभावो है ओहिमे छनौट समिति सबके या विद्यालयके अनियमितता नहि कऽ कऽ शिक्षासँ सम्बन्धित ई विद्यार्थीके भविष्य जुड़ल बात होइ छै ओहिमे ई बात अनियमितता नहि होबक चाही जहाँ तक हम जाटा शिक्षक छनौट समितिमे गेली यऽ ओहिठाम कतौ नहि अनियमितता होबय देली यऽ एकदम निष्पक्ष ढंगसँ जब शिक्षकेमे नियुक्तिमे अनियमितता हम अहाँ कऽ देबै हमसब कऽ देबै तऽ ओ पढ़ाइके गुणस्तर कतेक हेतै ओहिठाम तऽ सवाल उठै छै तऽ व्यक्तिगत हम व्यक्तिगत हिसाबसँ कतौ छनौट समितिमे हम अनियमितता तऽ नहि केली आओर एहि करार नियुक्ति शिक्षकके जे नियुक्ति हैत एहि महानगरपालिका भीतरके बात कहै छी ओ अनियमित नहि होबय देबै या नहि होबयके पक्षमे हमसब शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमे अपन पूर्ण कैपेसिटीमे पूर्ण शक्तिमे कहियासँ काज करऽके शुरुआत कऽ देब सब सम्पूर्ण कर्मचारी अवेलेबल भऽ जेतै तकर बादे आइ नियम तैयारी भऽ जायत तकर बादे हमसब बढ़िआँसँ समयमे आओर शिक्षाके गुणस्तर कहबै तब ई हर क्षेत्रमे जनशक्ति अवेलेबलके बादे हमसब किछु कऽ सकै छी ओना अकेले तऽ अभी हमसब आठ कक्षाके नगर स्तरीय जे परीक्षा छल तऽ एना सामुदायिक इसकुलके सर सबके सहयोगसँ निजी संस्थागत विद्यालयके ई संगठन सबके पदाधिकारी संस्थागत विद्यालयके सहयोगसँ विद्यार्थीके सहयोगसँ अभिभावक सबके सहयोगसँ हमसब ई एसईके मॉडलमे अहाँ सबके जानकारी भेल होयत कि कक्षा आठके परीक्षा सेंट्रलाइज कऽ कऽ एकदम निष्पक्ष ढंगसँ मर्यादित रूपसँ केना परीक्षा सञ्चालन हेतै आ परीक्षा सञ्चालन करबाक कॉपी परीक्षण लगायत नतीजा प्रकाशन भी हमसब पेपरमे देली आओर एके रती गुणस्तर सुधारके क्रममे एकटा इहो हमसब छोट पाटो बुझि कऽ परीक्षासँ शुरुआत केलिए आ जगह बात आबि रहल अइ कि बहुत नीक ई परीक्षा भेलासँ विद्यार्थी सबमे ई भेलै कि हमसब एकटा छोट एसी दऽ रहल छी आब हमरा सबके बड़का एसीमे ओतेक अथी नहि करऽ पड़त आब नहि पढ़ब तऽ हमरा सबके गुंजाइश न हय पढ़ऽके माहौल किछु बनल से बात जी अबको तपाईँहरूको भूमिका के स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर कसरी प्रभावकारी गुणस्तरीय शिक्षा समाजलाई दिन सकिन्छ अनि सर हाम्रो चाहिँ भूमिका हामीले जति सक्दो चाँडो स्थानीय निकायलाई हामीसँग भएको डकुमेन्ट बुझाउने हो मैले बुझेको एउटा
अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई अब नबुझेकै कुरामा अब होइन प्रश्न नभएको कुराहरूमा हामीले समन्वय गर्ने हो। अघि थोरै मैले जोड्न खोजेँ त्यो करार नियुक्ति शिक्षकको सम्बन्धमा मैले एउटा आउने बित्तिकै एउटा समस्या भोगेँ। त्यो भोगिरहँदा मलाई के लाग्यो भने अब मैले यसो गर्छु भन्ने हिसाबले मैले एउटा प्लानिङ गरेँ। त्यो प्लानिङ के गरेँ भने अब जनकपुरमै परीक्षा लिने जहाँसुकै भए नि करारको शिक्षक हो थनर समिति उहाँ सर्वे सर्वा हो होइन तर पनि हामीले के गरेँ तपाईँले परीक्षा यहीँ लिने शनिबार पार्ने बरु तोकिदिने मिति पहिलो शनिबार थर्ड शनिबार जति हुन्छन् बिचमा जति विज्ञापन गर्ने जति सबै यहाँ आएर परीक्षा दिन्छन् एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा कति हामी पनि कमसेकम रेखदेखमा बस्छौँ अलिक थोरै सुधार हुन्छ कि भन्ने त्यसमा लाग्यो मैले अलिक राम्रो टिचर आओस् भनेर होइन एउटा त्यो मैले स्ट्राटेजी अप्नाएको। हाम्रो रोल भनेको स्थानीयलाई नै हामीले पुस गर्ने हो मैले जाने हाम्रो खासै त्यसपछि एउटा चाहिँ के यहाँको समस्या दरबन्दी मिलान हो हजुरले अझै यो साह्रै गम्भीर छ शिक्षक मिलान भनौँ न अझै शिक्षकको समस्या धेरै छ यहाँ होइन कहीँ सर्वभाषा रमना दिया छैन म हिजो पनि दिनभरि बसेँ त्यही समस्या आइरहन्छ यति अगाडिको रमना छैन त्यसपछि गएर हाजिरी छैन हेर्नुहोस् समस्या यहाँ नि अलिकति थोरै शिक्षक व्यवस्थापन अलि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ होइन एउटा त्यो शिक्षक व्यवस्थापन गरेर मैले अब स्थानीयमा गइसकेपछि यो स्थानीयले त आफ्नो नगरभित्रको मात्रै हेर्ने भयो कमसेकम यो समन्वय इकाइ रहँदासम्म चाहिँ दरबन्दी मिलान चाहिँ विषयगत रूपमा माभिको होइन त्यहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आशिषजी एनप्याप सन अब के प्रतिबद्धता जनबै छै जे विद्यार्थी आ अभिभावकके पक्षमे कोन रूपसँ स्कूल सबके केना कऽ कहाँसब चैनलाइज करबै आगाँ कऽ कऽ बढ़ेबै जे शिक्षा ठीकेमे जे व्यापार एक हिसाबसँ देखल जा रहल छै ओ सेवाके रूपमे परिणत प्रतिबिम्बित हेतै। एहिमे की छै अभिभावक सबके एकटा चीज तऽ कि अपन हटाबऽ पड़तै सोचमे की परिवर्तन करऽ पड़तै कि शिक्षामे जे खर्च नहि होइ छै ओ लगानी होइ छै ओकर रिटर्निंग भेटै छै। हमरा अहाँके दुर्भाग्य जे हमर अहाँके सरकार नहि शिक्षाके अकेले नहि धानि सकैए ई बातके हमरा अहाँ सबके मानऽ पड़त। बात अबै छै बेर बेर जे सरकारी इसकुलमे निःशुल्क शिक्षा छै सरकारी इसकुलमे जे निःशुल्क शिक्षा छै तऽ बिना बजटेके सरकारी इसकुल चलै छै पक्के नहि। वाम गठबन्धनके सरकार बनलैए चुनावसँ पहिने बहुत नारा देलकै जे 20% हमसब शिक्षामे बजट छुटिया लेकिन 10%सँ बेसी नहि छुटिया सकलै हम अहाँ देखिए रहल छियै बजेटो भाषण आबि गेलै तऽ ओकरो लग व्यवस्था छै तऽ एहि कंडीशनमे निजी विद्यालय चाहबे करी। आब बात रहलै जे एहिमे गुणस्तरीय नीक शिक्षा की अयलै एहिमे सबसँ पहिने एग्जामिनेशन सिस्टमके टाइट करऽ पड़तै। हम धन्यवाद देबऽ चाहबनि अंजू मैमके हमसब लास्ट ईयर सेहो कक्षा 8 के परीक्षा सेंट्रलाइज कहिए के लेने रहिए एहिबेर स्थानीय निकायमे अयलै हमसब जाकऽ ई प्रस्ताव रखलियै ओहोसब एकरा सहृदय स्वीकार केलखिन। 8मे जखन बच्चा एकटा अपन इसकुल छोड़िकऽ होम सेंटर छोड़िकऽ दोसर ठाम जाकऽ एग्जाम देलकै ओकरा किछु एक्सपीरियंस तऽ गेन तऽ भेलै नहि। आब ओ बच्चासब जखन SEE के एग्जाम देबऽ जेतै क्लास 10 पढ़िकऽ ओकरा सबके बहुत इजी फील हेतै बाहर जखन एग्जाम देलकै बहुत मर्यादित एग्जाम भेलै आइ बेर हरेक दिन ईसब निरीक्षणमे गेल छथिन। स्कूलके तरफसँ की करऽ जा रहल छै इसकुलसँ आब हमसब आगामी दिनमे आरो नीक जेनाकि एहिबेर किताबेवला बात आयल छलै एहिबेर हमसब एनपैप्शनके लगभग 15 इसकुल एकटा क्लस्टर बनेलिए कॉमन सिलेबस रखलिए हरेक इसकुलके सेम किताब छै ओहि कारणसँ अभिभावक सबके किताब किनहुमे इजी भेलैए आ ओहि राखऽके पाछू हमर सबके मेन एकटा उद्देश्य की छलै हमसब पब्लिकेशनसँ की बात केलिए जे क्वेश्चन अहाँ बनाके दिअ। आब की होइ छलै जे हमरे टीचर क्वेश्चन बनबै छै हमरे टीचर पढ़बै छै हमरे टीचर कॉपी करेक्शन करै छै एहि बेरसँ हमसब की करऽ गेलिए एकटा छोट शुरुआत भेलै आगामी दिनमे एनपैप्सनके हरेक विद्यालयके हमसब ईसब करबै जे आब पब्लिकेशन जे किताब जे राइटर लिखने छै ओ क्वेश्चन बनाकऽ पठेतै हमसब एग्जाम लेबै हमर इसकुलके टीचर पढ़ेतै लेकिन ओकरा चेक हम अपन कोनो सदस्य दोसर सदस्य विद्यालयके टीचरके देबै ओ करेक्शन कऽ कऽ कॉपी देथिन तऽ एहिमे की हेतै जे टीचरो केना पढ़ा रहल छै ओहो चेकमे हेतै तऽ हमसब एकदम प्रतिबद्ध छी टीचर्स ट्रेनिंग हाँ ओकरा सबके क्वेश्चन बनाबऽके आ हरेक सब्जेक्टके टीचरके ट्रेनिंग देबै कनिके दिन पहिने गेवाली सर छथिन लक्ष्मण गेवाली प्रतिबद्धता आबि सकैए प्लेटफॉर्मसँ जे एनपैप सन संस्थाके हिसाबसँ इसकुल सबके सेवामूलक काजके तरफ बेसी आगाँ बढ़ेतै एकदम छै आ जनकपुरमे की आबि रहल छै जे अतिरिक्त क्रियाकलाप ओतेक नहि होइ छै
खाली पढ़ाइए पर किताब के चीज पढ़बै छै, अतिरिक्त क्रियाकलाप नहि होइ छै। एंड पैप्सन लास्ट पिछले वर्ष की केने छै जे कॉमन कैलेंडर बनेने छै आ किछु कॉमन इवेंट सब करै छै, जेना अहुबेर प्रथम कार्यक्रम सबके छलै चित्रकला प्रतियोगिता वातावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमसब केने रहिए, जाहिमे लगभग 100 विद्यार्थी के सहभागिता रहै विभिन्न विद्यालय सेवामुखिए छै, सब दिन रहबो करतै, इहो बात हम अहाँके प्रतिबद्धता देबऽ चाहै छी। आ एहिमे की छै जे हमरा अहाँके कनि देखक वा कले ने कनि देखक के व्यापारिक उद्देश्य बेसी देखल जाइ छै, ताहि लेल अहाँसँ ई कमिटमेंट चाही जे आपसँ सेवामुखी ई प्रक्रिया आगाँ बढ़ेतै, एन पैप्सन के भूमिका जे छै इसकुल सबके रेगुलेट करब। नहि नहि ओ छैहे, आ हम कहि रहल छी ओ छैहे, ओ रहबे करतै। आ कनिक एहिमे हमरा अहाँके समाजमे की भऽ गेल छै जे हम अहाँ नीक डॉक्टर ककरा कहै छियै जेकि हॉस्पिटलमे बिल्कुल नहि समय दैत होय आ अपन क्लिनिकमे बहुते टाइम दैत होय, जे बेसी पैसा कमाइत हेतै ओकरा हम अहाँ नीक कहै छी। हम अहाँ एतेक आदमी छी, कतेक आदमी अपन बच्चाके शिक्षक बनाबऽ चाहै छी, कतेक आदमी चाहै छी, सब चाहै छी जे हमर बच्चा डॉक्टरे इंजीनियर बनै, के चाहै छी जे हमर बच्चा जाके एकटा शिक्षक बनै। तऽ ई चीज जाबे तक नहि हेतै एहिमे कनिक अथी छै, ताहि लग हम कहलियै कि हमरा अहाँके सोच परिवर्तन करऽ पड़तै, शिक्षकके इज्जत आदर देबऽ पड़तै, आ नीक भऽ रहल छै आ नीक हेबे टा करतै। आइके जनमंचके बहसमे सहभागी भेनिहार सम्पूर्ण सहभागी सबके साथे तीनू अतिथिके हम धन्यवाद दैत जनमंच एतै समाप्त करऽ चाहै छी। अहाँ सब जनमंचके बारेमे राय सलाह सुझाव सेहो हमरा सबके पठा सकै छी। हमर सबके ठिकाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम। ओहिके साथे अहाँ सब हमरा सबके फोन तथा ईमेलके मार्फतसँ सेहो अपन सलाह सुझाव पठा सकै छी। कॉन्टैक्ट नंबर रहल अछि 0415306603। तहिना मेलिंग एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। बेस तऽ आइके जनमंचसँ हम विदा लै छी, फेरसँ अगिला सप्ताह उपस्थित हेबे करब। धन्यवाद।